तो वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, कैमरा के फीचर्स बताऊंगा। दोस्तों आप मैं ऐसे फीचर्स बताऊंगा कैमरा के, आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने जो कैमरा के जो फोटोज और वीडियोस हैं प्रोफेशनल तरीके से ले सकते हैं, प्रोफेशनल फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कौन सा फीचर ऑन करने से क्या होता है, कौन सा फीचर ऑफ करने से क्या होता है, कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कैमरा के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, एक एक फीचर एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैमरा का। तो कैमरा ऐप ओपन करते ही यहाँ पर टैप करके सबसे पहले चीज़ तो इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, इस पोर्ट्रेट मोड में आप आके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है वो बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं, ये हो गया। और लाइटिंग को चाहते हैं आप लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है ऑलरेडी तो कम कर सकते हैं दोस्तों। और इसको लॉक भी कर सकते हैं, लाइटिंग कम ज़्यादा नहीं होगी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप जो चांद का आइकन दिख रहा है आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, रात में फोटो ले रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको जो चांद का जो आइकन है आप इसको ऑन कर सकते हैं रात में फोटोज लेने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है आपको वाइट जो डॉट दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके इफेक्ट्स को आप नंबर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ इफेक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपर्चर को यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो इफेक्ट का जो ये है इफेक्ट की कैपेसिटी को आप जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा पीछे, और जितना कम करेंगे तो उतना कम आएगा दोस्तों ये इफेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई जूम नहीं कर सकते आप पोर्ट्रेट में। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, आप कितना ब्यूटी करना है उतना ज़्यादा कर लेना, कितना कम करना है आपको ब्यूटी अपने फेस को उतना कम कर सकते हैं। इसके बाद आप फोटो का जो साइज़ है वो फोटो साइज किस साइज में फोटो क्लिक हो आपका वो फोटो के साइज़ को आप यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके टाइमर भी सेट कर सकते हैं, 2 सेकंड और 5 सेकंड और 10 सेकंड का। आपने यहाँ पर 2 सेकंड को सेट कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 2 सेकंड्स का टाइम आता है, 2 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। आप ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं या आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है तो उस वक्त में ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम सेट करके आप फोन को कहीं भी रख के जाकर खड़े हो सकते हैं अकेले अपने स्पॉट पर, 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ग्रुप के साथ फोटो ले रहे हैं, 10 लोग हैं ग्रुप में तो 9 लोग पहले खड़े होंगे तो एक बंदा क्या करेगा टाइमर सेट करके फोन को ट्राइपॉड या कहीं के टाइमर सेट करके जाकर खड़े हो सकता है 10 लोगों में, तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक पूरे 10 लोगों के ग्रुप के साथ फोटो क्लिक हो जाता है। ऐसे चीज़ों के लिए आप ये टाइमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फोटो मोड में आएंगे, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं 10x तक जूम करके आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं। ये नॉर्मल मोड है दोस्तों फोटो मोड, इसमें आप एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं, नाइट हो डे हो आप फोटो लेना चाहिए ले सकते हैं। इसके बाद 05 पर क्लिक करेंगे तो वाइड एंगल हो जाता है, वाइड एंगल का मतलब क्या है, अब मान लो आप 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पर कम जगह होने की वजह से 4 लोग नहीं दिख रहे, कैमरा मैन यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, कम जगह होने की वजह से कैमरा मैन 2 ही लोग दिख रहे हैं, तो आप उस वक्त क्या करेंगे .5 पर हम क्लिक करेंगे तो वाइड एंगल हो जाता है, उसी कम जगह में 2 लोग ने 4 लोग भी दिखेंगे दोस्तों उसी कम जगह में, तो ये अंदर का जो लेंस है वो पीछे चला जाता है, वाइड हो जाता है, वाइड होने के बाद उसी कम जगह में ज़्यादा लोग भी दिखना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप अपने जो फेस है वो फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फेस पर क्लिक करके यहाँ से अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो चलिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो वीडियो के जैसा आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोशन फोटो ऑन कर सकते हैं, मतलब आप रनिंग में फ़ोटो ले रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, आपका जो फ़ोटो है वो शेक नहीं होगा, वो ब्लरी टाइप नहीं आएगा, और आप फ़ोटो लेते वक्त में फ़ोन को हिलाते हैं तो भी आपका फ़ोटो शेक नहीं होगा, एक मोशन फोटो निकल कर आता है आप इसको ऑन करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर जो 12M बल्ब पर जो लिखा है आप इस पर क्लिक करेंगे 50M हो जाएगा, 12M हो जाएगा, 50M पर इसको सेट करेंगे तो जो 50 मेगापिक्सल का लेंस है उस लेंस से फ़ोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो फोटो का साइज़ वो साइज़ यहाँ से भी आप रिसाइज कर सकते हैं, टाइमर यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश का फीचर है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको A पर सेट करेंगे तो रात में फोटोज़ क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर आप इस तरह से सेट करेंगे इसको तो रात में फोटो क्लिक करते हो इतना ही ऑन हो जाता है, आप इस तरह से सेट करेंगे तो ऑफ हो जाता है, इस तरह से सेट करेंगे तो रात हो दिन हो जब भी आप फोटो लेते हैं फोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है दोस्तों। तो चलिए
ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे वीडियो मोड में। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में, यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जूम करना है तो आप इसमें 10x तक जूम कर सकते हैं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में। इसके बाद डॉट 5 पर क्लिक करके वाइड एंगल में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वाइड एंगल नहीं होता, कुछ कुछ स्मार्टफोन में होता है। यहाँ पर इसमें भी आप यहाँ पर मिल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी वाइड एंगल लेने वाला फीचर दोस्तों। और इस पर भी आप यहाँ पर टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं। फोटो मोड में भी आप टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये सारे मोड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड मोड्स हैं जिनमें आप नहीं यूज़ कर सकते, बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में दोस्तों। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर और देखें वीडियो मोड में आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑटो फ्रेमिंग को ऑन कर सकते हैं, ऑटो फ्रेमिंग ऑन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर की कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फेस को ब्यूटी भी कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आप इस पर क्लिक करके रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। आप अल्ट्रा HD में 30 फ्रेम रेट को सेट करके 30 FPS को सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फुल HD में आप यहाँ पर 60 फ्रेम रेट को मतलब 60 FPS को सेट करके फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 30 और 60 FPS ये क्या है आपको मैं बताऊँगा एक्सप्लेन करके। आप यहाँ पर 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे मतलब 30 FPS सेट करेंगे तो एक सेकंड में 30 फोटो क्लिक होते हैं। एक सेकंड में 30 फोटो को मिलाकर वो एक सेकंड का वीडियो बन जाता है। और यहाँ पर आप 60 सेकंड मतलब 60 फ्रेम रेट सेट करेंगे तो एक सेकंड में 60 फोटो क्लिक होंगे, वो 60 फोटो का मिलाकर एक सेकंड का वीडियो बन जाता है दोस्तों। आप यहाँ पर इसको 30 फ्रेम रेट सेट करेंगे मतलब 30 फ्रेम रेट 30 FPS सेट करेंगे तो एक सेकंड में 30 फोटो क्लिक हो जाएंगे। तो आप एक पर एक ऐसी फ़ोटो रखेंगे तो गैप ज़्यादा रहेगा फोटोज़ का। 30 फोटो हैं तो फोटो कम रहेंगे तो गैप ज़्यादा रहेगा ना। और वही एक सेकंड में एक पर एक आप ऐसे 60 फोटो रहेंगे तो गैप कम रहेगा 60 फोटो का, तो 60 फोटो का वीडियो स्मूथ आता है। कहने का मतलब ये है आप जितना ये FPS ज़्यादा रखेंगे उतना वीडियो आपका स्मूथ आता है। आप 60 FPS रखेंगे तो वीडियो आपका स्मूथ आता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में FPS को ज़्यादा रखना है दोस्तों। तो चलिए ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो वीडियो के आप साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है एक्शन मोड भी मिलता है मतलब सुपर स्टडी मोड होता है कुछ स्मार्टफोन में, एक्शन मोड होता है इसका नाम, लेकिन काम वही करता है। ये क्या है सुपर स्टडी मोड, आप रनिंग में वीडियो ले रहे हैं तो इसको ऑन करना होता है। आपका वीडियो शेक नहीं होगा, ब्लर टाइप नहीं आएगा और एक स्मूथ वीडियो बनकर आता है दोस्तों। आप इस एक्शन मोड को ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो चलिए दोस्तों अगले फीचर के लिए यहाँ पर फ्लैश का फीचर है। आप यहाँ पर इस पर सेट करेंगे तो फोटो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। ए पर सेट करेंगे तो रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर मोर में आएंगे। मोर में आने के बाद आप प्रो, यहाँ पर आपको मिलता है प्रो। ये प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके यहाँ पर आप फोटोज ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक प्रोफेशनल फोटो निकालना है आपको, आप ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाइड एंगल में भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये हो गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वाइड एंगल मिलना चाहे ले लीजिए। यहाँ पर ISO है दोस्तों, लाइटिंग के हिसाब से इसको आप ज़्यादा कम कर लेना। आपको लाइटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। शटर स्पीड को आप रनिंग में फोटो ले रहे हैं तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा करना होता है आपको शटर स्पीड को, आप यहाँ पर उतना ज़्यादा कर सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर ये है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर EV लाइटिंग के आपको चाहिए, लाइटिंग चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। EV लाइटिंग ऐड करता है EV भी, तो आप अपने लाइटिंग के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो फोकस मैनुअल फोकस है नेक्स्ट। यहाँ पर आप ऑटो पर सेट करेंगे तो आपको मान लो जहाँ पर आप खड़े हैं उसको आपको ऑटो फोकस करता रहेगा। आप मैनुअल करेंगे तो एक बंदा खड़ा रहना पड़ेगा फोकस करने के लिए, इस तरह से आपको टैप करके फोकस करना पड़ता है। आप मैनुअल फोकस करेंगे तो आप ऑटो फोकस मैनुअल फोकस आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद वाइट बैलेंस में कलर चेंज करता है। वाइट बैलेंस क्या करता है, कलर चेंज करता है आपके। यहाँ पर आप कलर चेंज करना है तो आप इतना आप थोड़ा बहुत आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आप, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है और यहाँ पर हाईलाइट है, यहाँ पर शेडो है, यहाँ पर सैचुरेशन है। इसके बाद यहाँ पर आप मिलता है और टिंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही करके एक प्रोफेशनल फ़ोटो कर सकते हैं, बाद में एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको प्रोफेशनल फ़ोटो पहले ही निकाल सकते हैं आप कलर करेक्शन के साथ में, और लाइटिंग कंडीशन कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारे सेटिंग्स करके एक प्रोफेशनल तगड़ा
एडिटिंग किया हुआ ही फोटो निकाल सकते हैं आप, बाद में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, बस अपलोड करना है जहां पर भी आपको पोस्ट करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके आप यहां पर ये मैट्रिक्स मैटरिंग को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहां पर। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप यहां पर अपने हिसाब से कर लेना, इसको सेंटर में करना चाहे सेंटर कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद यहां से फोटो के साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं और टाइमर को यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी फ्लैश का फीचर इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। वापस से इस मोर में आते हैं, मोर में आके आप प्रो वीडियो, यही सारे सेटिंग्स करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सारे स्मार्टफोन में बस ये फीचर फोटोज़ के लिए उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप यही सारे सेटिंग्स करके आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अच्छी बात होने वाली है। वापस से मोर में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है नेक्स्ट नाइट, आपको रात में फोटोज़ क्लिक करना है तो आना होगा इस नाइट मोड में। यहाँ से आप रात में फोटोज़ ले सकते हैं, इस नाइट मोड में आके आपको रात में फोटोज़ लेना है तो आना होगा इसमें। वापस से आते हैं दोस्तों यहाँ पर मोर में, मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फूड, यहाँ से आप ये शॉर्ट्स लेना चाहे ले सकते हैं फूड शॉर्ट्स। इसके बाद यहाँ पर वापस से मोर में आने के बाद पैनोरमा है, ये कमाल का फीचर है। ये क्या है, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो आना होगा इस पैनोरमा में। पैनोरमा में आकर शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे इस तरह से आपको पूरा प्लेस बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए वापस से यहाँ पर हम आते हैं मोर में, मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मैक्रो, आप कोई भी चीज़ को डिटेल्स में देखना चाहे तो इस मैक्रो में आके कोई भी चीज़ को डिटेल्स में देख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो वो ब्लर दिखता है, नॉर्मल मोड में रहकर कोई भी चीज़ के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो इस मैक्रो मोड में आकर कोई भी चीज़ के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो वो ब्लर नहीं दिखेगा, डिटेल में दिखेगा। मतलब कोई भी चीज़ को आप डिटेल्स में देखने के लिए इस मैक्रो में आके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से आते हैं मोर में, मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्लो सुपर स्लो मो की वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। सुपर स्लो मो के वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो कर लीजिए। वापस से मोर में आने के बाद आपके यहाँ पर स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला भी फीचर मिलता है, एक बटन मिलता है अलग से, यहाँ से आप सुपर स्लो मो के और स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं HD में 240 फ्रेम रेट को, मतलब एक सेकंड में 240 फोटोज़ क्लिक होंगे दोस्तों यहाँ पर 240 FPS में। आप यहाँ पर HD में सुपर स्लो मोने स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आता हूँ यहाँ पर बैक, मोर में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है, और चलिए आप यहाँ पर हाइपरलैप्स की शॉट्स लेना चाहे हाइपरलैप्स शॉट्स ले सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये मैक्सिमम यहाँ पर आप 300 कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 300 मिनट्स कर सकते हैं। तो ऑटो पर आप सेट करके यहाँ पर आप इसको 300x या तो आप यहाँ पर 60x मैक्सिमम यहाँ पर आप 300x यहाँ पर हाइपरलैप के शॉट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस से यहाँ पर आते हैं मोर में, मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डुअल रिकॉर्ड, मतलब फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ रिकॉर्डिंग होगा दोस्तों। यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर ये कर लीजिए फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ रिकॉर्डिंग। वापस से मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिंगल टेक के शॉट्स लेना चाहे आप सिंगल टेक शॉट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर सीन ऑप्टिमाइजर आपको मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होता है, आपका जो फोटो है वो AI क्या करता है फोटो क्लिक करने के बाद और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करके एक बेटर क्वालिटी देने की और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। ऑप्टिमाइज का मतलब आप थर्ड क्लास फोटो है आपका तो थोड़ा उसको अच्छा करेगा दोस्तों AI, इसको ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने के कुछ सेकंड्स के बाद वो हो जाता है ऑप्टिमाइज, आप इसको ऑन कर सकते हैं। और स्कैन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पर स्कैन करना चाहे तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, इसको ऑन कर लेना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं स्कैन कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर शॉर्ट सजेशन यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर वो आपको सजेस्ट करता है शॉर्ट्स के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद स्कैन QR कोड आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं कैमरा ऐप से भी तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट GIF भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर शूटर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक GIF क्रिएट होता है इस तरह से, ये देख सकते हैं एक शॉर्ट एक GIF क्रिएट होता है, आप ऐसे करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इसी सेटिंग्स में, आने के बाद आप यहाँ पर वाटरमार्क को ऑन कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करके इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉडल नेम है, मतलब जो भी फोटो लेंगे वो फोटो के ऊपर आपका जो फ़ोन कौन सा है वो फ़ोन का मॉडल बताना चाहिए तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम भी बताना चाहिए तो इन दोनों को ऑन कर सकते हैं, जो भी फोटो आपने लेंगे इस फोन में वो फोटो के ऊपर डेट एंड टाइम भी बताएगा इस तरह से, ये आप कर सकते हैं। और फॉन्ट के साइज को आप यहाँ पर कर सकते हैं छोटा बड़ा, यहाँ पर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर वाटरमार्क की रिगार्डिंग कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसको भी ऑन कर लेना था यहाँ पर और बेहतरीन फोटोज़ के लिए। और उसके बाद यहाँ पर सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, आप ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप सेल्फी कैमरा से फ़ोटो लेते हैं इस एंगल से तो क्या होता है, वो इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर बताएगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ। आप ऑन करना चाहे तो आप यहाँ पर इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा ओपन करने के बाद ये हाईलाइट हो जाता है फीचर, उसको ऑन करके यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद स्वाइप अप डाउन टू स्विच कैमरा, मतलब ये ऑन करेंगे तो आप इस तरह से कैमरा को स्विच कर सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर लेकर जाएंगे कैमरा टू बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा, इस तरह से आप कैमरा को स्विच कर सकते हैं। वापस हम सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आएंगे, नीचे आप यहाँ पर मिलता है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। और नीचे आने के बाद ऑटो FPS को ऑन करना चाहिए ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये उतना कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका वीडियो स्टेबल रहेगा, आपका वीडियो शेक नहीं होगा दोस्तों, एक अच्छा वीडियो निकल कर आता है आपका। उसके बाद ग्रिड लेंस, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये लेंस बताएंगे, ये लेंस से आपको कैमरा क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आएगा, बस ये देखने में इतना फर्क आता है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। तो चलिए वापस से सेटिंग्स में आते हैं। इसी आने के बाद लोकेशन टैग्स, इसको ऑन करेंगे हम तो आप किस लोकेशन में फ़ोटो क्लिक किया था वो लोकेशन बताएगा दोस्तों फोटो के डिटेल्स में, आप यहाँ पर ये इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शूटिंग मेथड्स में आना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम बटन टू, यहाँ पर आप इस पर सेट करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो मोड में आप हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, फोटो मोड में आप हैं तो फोटो क्लिक होगा, ये हो गया। उसके बाद जूम इन और आउट करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम कम होता है, ये होगा। आप यहाँ पर इस पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद साउंड कम ज़्यादा होता है, आप वॉल्यूम प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, माइनस बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड कम होता है, तो ये होगा। और आप फ्लोटिंग शूटर बटन को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एक शूटर बटन निकल कर आता है, यहाँ पर आप सेल्फी वगैरह लेते वक्त में आपको ये उंगली वहाँ पर शूटर बटन पर नहीं जा रही होती है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको होता है तो आप यहाँ पर इसको कहीं भी रख के आप शूटर बटन को सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ऊपर वगैरह, तो इस तरह से आप एक शूटर बटन को भी लेकर आ सकते हैं अपने कैमरा में, कहीं भी रख के इसको ईजिली आप सेल्फी ले सकते हैं। वापस से सेटिंग्स में आते हैं, आने के बाद आपको इसी शूटिंग मेथड्स में आना है, यहाँ पर आप वॉइस कमांड्स को ऑन करेंगे तो आपको फ़ोटो लेना है तो आपको स्माइल बोलना है, चेस बोलना है, कैप्चर बोलना है, शूट बोलना है, इतना आप बोलेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद शो पाल्म ये ऑफ है, तुम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके बस इस तरह से हाथ बताएंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है दोस्तों, आप इस तरह से ये भी ले सकते हैं, ये देख लीजिए अभी फोटो क्लिक हो चुका है फोन को बिना टच किए, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर इसी सेटिंग्स में आके सेटिंग्स टू कीप में आके आप यहाँ पर ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कैमरा मोड है, सेल्फी एंगल और हाई पिक्चर रेजोल्यूशन और फिल्टर्स और सुपर स्टडी, ये आप यहाँ पर सेटिंग्स टू कीप में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना इसको आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इन बटन्स को, और यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं, इन बटन्स को यहाँ पर ले सकते हैं, ये देख लीजिए आपको यहाँ पर लेना है, यहाँ पर लेना है आपको तो या आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आप ये बटन्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारे बटन्स आप यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर मोर में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे बटन्स, ये देख लीजिए आप इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसी सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के कुछ कैमरा के सेटिंग्स भी बता दिया। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको क्या करना है, नीचे आके सेटिंग्स में रिसेट सेटिंग्स करना है, यहाँ पर रिसेट पर क्लिक कर देना है, जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद जैसे सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे। और एक और बार ये सारे सेटिंग्स वाला वीडियो देखकर आप एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी F55 5G के कुछ कैमरा के सेटिंग्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसी तरह के आप इसी स्मार्टफोन के 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत ही कमाल के ट्रिक्स बताया हूँ मैं इसी स्मार्टफोन के, वो भी कितने 200 से ज़्यादा फीचर्स बताया हूँ, 200 से ज़्यादा ट्रिक्स बताया हूँ, आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं।